अबेकस पे डिवीजन करने से पहले हम पहले रॉड सिलेक्शन करना पड़ता है। रॉड सिलेक्शन क्या है और इसे हम कैसे करते हैं? देखिए, अगर ये है 24 डिवाइड बाय 2, ओके, तो 24 कितना डिजिट है? 2 डिजिट है, ओके, और ये कितना डिजिट है? 1 डिजिट है, राइट। तो डिवीजन में हम जब करते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है ना कोई भी वैल्यू। पहली बार तो जो ये डिवीजन है उसका वैल्यू 1 रहेगा, ओके। और जब हम डिवीजन करते हैं तो क्या करते हैं, वैल्यू क्या होती है, कम होती है, यानी कि डिक्रीज होती है। देयरफॉर हम लोग आगे भी और पीछे भी क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं, ओके। तो 2 - 1 = 1 और 1 - 1 = 0, तो इसका आंसर कितना आएगा, 0। मतलब हमें अभी डिवीजन कहाँ पे सॉल्व करना है, 0 रॉड पे सॉल्व करना है, ओके। देखिए, ये हमारा रॉड नंबर क्या है, 1 है। अगर ये रॉड नंबर 1 है तो ये रॉड नंबर 2 है, ये रॉड नंबर 3 है, रॉड नंबर 4, ओके। और जो यूनिट पॉइंट है, ये जो यूनिट पॉइंट है रॉड नंबर 1 है, उसके इस साइड पे 0 रहता है, -1 - 2 - 3। हमने जब ये सॉल्व किया तो हमने हमारा रॉड सिलेक्शन क्या आया, 0 आया, तो 0 रॉड, तो रॉड नंबर 1 ये, 2 ये, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ऐड 2 किया, ऐड 4 किया, ठीक है, 2 और 4, 24 हमने प्लेसिंग कर दी, ओके। अब क्या करते हैं, किससे डिवाइड करने का है, 2 से डिवाइड करना है ना। तो 2 के टेबल में अभी फर्स्ट नंबर पहले हम देखेंगे, ठीक है। डिवीजन में क्या होता है ना, हम जो डिवीजन करते हैं, जिस नंबर को हम डिवाइड करेंगे उसका फर्स्ट वाला रॉड छोड़ के नेक्स्ट रॉड पे प्लेस करना है, ओके। फर्स्ट रॉड स्किप करके नेक्स्ट रॉड पे, जैसे जैसे हम क्या करते थे मल्टीप्लिकेशन में, फर्स्ट स्किप करके सेकंड वाले पे करते थे ना, उसके नेक्स्ट वाले पे, वैसे ही इसमें क्या करना है, प्रीवियस वाला जो ये 2 नंबर है जिसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, उसके जो प्रीवियस वाला रॉड है उसको स्किप करके नेक्स्ट वाले पे हमें प्लेस करना है उसका वैल्यू, ओके। 2 के टेबल में अभी ये 2 से डिवाइड करना है, तो फर्स्ट पहले डिजिट को डिवाइड करते हैं ना डिवीजन में, तो फर्स्ट डिजिट क्या है, 2। 24 में फर्स्ट डिजिट क्या है, 2, तो इसको हम डिवाइड करेंगे जब 2 से, तो 2 के टेबल में 2 आता है, येस आता है, कब आता है, तो इसको स्किप करके यहाँ पे प्लेस करेंगे, 2 1 = 2, ठीक है। डिवीजन में यही करते हैं ना, जब हम कोई भी नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो जब नंबर लिख के नीचे हम क्या करते हैं, उसका माइनस करते हैं ना, जैसे मल्टीप्लिकेशन हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जब हम बुक्स पे सॉल्व करते हैं, और इसमें क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे फर्स्ट स्किप किया उसका प्रीवियस वाला, और फिर यहाँ पे स्किप, यहाँ पे हम प्लेस करेंगे 2 1 = 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 2 1 = 2, ओके। अब ये क्या है, 4, 2 के टेबल में 4 आता है क्या, आता है, 2 2 = 4, ओके। तो अपना आंसर कितना आया, 1 2 12, तो अपना इसका आंसर कितना आ रहा है, इस डिवीजन का हमारा आंसर कितना आ रहा है, 1 2 12, ओके। एक और नंबर लेके देखते हैं, 379 डिवाइड बाय 8, अगर मुझे ये करना है, ओके, तो इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट है, 1 2 3 नंबर ऑफ डिजिट है, डिवीजन का क्या रहता है, 1, और 8 कितना डिजिट है, 8 इज़ अ सिंगल डिजिट, सो वी राइट हियर 1, ओके। और डिवीजन में वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, यानी कि कम होती है, तो हम क्या करते हैं, 1 के आगे और पीछे क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, ओके। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं, 3 - 1 = 2, 2 - 1 = 1, ओके। तो अपना रॉड सिलेक्शन कौन सा आया, 1, तो फर्स्ट रॉड कौन सा है, ये वाला रॉड है ना, तो यहाँ पे हम अभी क्या करेंगे, प्लेसिंग करेंगे, 379 हमने प्लेस कर दिया, अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ओके। 379 मेरा प्लेस हो गया, अभी मुझे किससे डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करना है ना, तो ये वाले पहले हम देखेंगे कि क्या 3 आता है क्या 8 के टेबल में, नहीं है ना, 3 स्मॉल है 8 से, तो ये तो नहीं आएगा, तो हमें दोनों डिजिट लेना पड़ेगा, राइट। तो अभी मुझे दोनों डिजिट ले रही हूँ, 37 आता है क्या 8 के टेबल में, नहीं, 37 नहीं आता, तो 37 से छोटा क्या आता है 8 के टेबल में, 32 आता है, तो 32 हम इसमें से कर सकते हैं माइनस, यस कर सकते हैं। तो क्या मैं ये रॉड ये वाला रॉड छोड़ के क्या मैं यहाँ पे प्लेस करूँ वैल्यू, नहीं, मैं अभी सिंगल डिजिट नहीं ले रही हूँ, 3 नहीं ले रही हूँ, 3 तो नहीं आ रहा ना, ये पूरा कंप्लीट नंबर है मेरा, ठीक है। ये छोटा क्या आ रहा है, 32 आ रहा है, तो मुझे इसको अभी पूरा लेस करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कैसे, ऐसे ही ऑब्वियसली लिखते हैं ना, 37 - 32, ऐसे ही करते हैं ना जब हम डिवीजन सॉल्व करते हैं, तो हम ऐसे सॉल्व करते हैं, 8 के टेबल में ये कंप्लीट नंबर आता है ना, तो 3 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आएगा, तो ये वाला कंप्लीट नंबर आएगा, तो मेरा लास्ट नंबर कहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आएगा, है ना। तो ये वाला हम स्किप करेंगे, यहाँ पे प्लेस करेंगे, ओके। 8 4 = 32,
लेस कर दिया, प्लेस करने का जितने टाइम में आता है और बाकी जो नंबर आ रहा है ना वो अपने को क्या करना रहता है, लेस करना रहता है, इतना ईजी है। ओके, अभी अभी यहाँ पे क्या बचा, 5 और 9, 59 बचा। 59 आता है क्या 8 के टेबल में? नहीं आता, तो 59 से छोटा क्या आता है, 8 7 ज़ा 56, राइट। तो 8 7 ज़ा 56, ठीक है। तो अपना कंप्लीट आंसर क्या आ रहा है, 47 अपना कंप्लीट आंसर आ रहा है। आप यहाँ पे एक नोटिस कर रहे कि यहाँ पे ऑलरेडी 3 बीट्स बचा है ना, तो वो 3 बीट्स क्या है, वो अपना क्या है, रिमाइंडर है। ओके, कितना आया अपना आंसर, 47 इज माई कंप्लीट आंसर और रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। 47 क्या है, कंप्लीट आंसर है और रिमाइंडर इसमें कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो हम रिमाइंडर को कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं और 47 मेरा क्या आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि वो कंप्लीट नंबर है, और 3 मेरा क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है। ओके, अगर मुझे अभी ये नंबर डिवाइड करना, ओके, 9788 डिवाइड बाय 44, तो कैसे करेंगे, पहले तो हम देखेंगे कितने डिजिट है, 4 है, ओके, और इसका डिवीजन का 1, और ये 44 कितने डिजिट आ रहा है, अभी 2 डिजिट आ रहे हैं, राइट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2, और आगे और पीछे क्या आएगा, माइनस आएगा। ओके, 4 माइनस 1 इज़ 3, 3 माइनस 2 इज़ 1, रॉड सिलेक्शन क्या आया, 1, रॉड नंबर 1 ये होता है, राइट। तो हम यहाँ पे प्लेस करेंगे 9 7 8 8, ओके, 9 7 8 8 हमने प्लेस कर दिया। अब हम डिवाइड करेंगे किससे, 44 से। 44 के टेबल में 97 आता है क्या, ये क्या है, 97 कंप्लीट लेना पड़ेगा, क्योंकि 44 से हम 9 तो देख नहीं सकते, बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो 97 दो डिजिट लेंगे, ठीक है। तो ये 2 डिजिट आता है क्या 97 44 के टेबल में, तो हम इसे कैसे चेक करते हैं, 44 देखिए, 44 है ना, पहले क्या है, 4 है इधर, ठीक है। अभी ये 4 के टेबल में ये 9 आता है क्या, नहीं, तो 9 से छोटा आता है क्या कुछ, हाँ, 4 2 ज़ा 8 होता है ना, तो 2 ज़ा में चांसेस है कि ये 44 2 ज़ा करके अगर मैं करूँ तो ये नंबर या फिर तो इससे छोटा मुझे कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम एक हिंट लगा के देखते हैं कि कोई भी अगर नंबर बड़ा है, 78 है, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली देख सकते हैं कि हाँ 1 ज़ा से चला जाएगा, क्योंकि 7 1 ज़ा 7 है ना, तो 97 से छोटा ही आएगा ऐसा, ठीक है। सपोज़ ये नंबर अगर मैं 27 से डिवाइड करती, ठीक है, तो अगर ये मेरा नंबर 27 रहता, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, 27 जो है उसका फर्स्ट डिजिट क्या है, 2, तो 2 के टेबल में 9 आता है क्या, नहीं, तो 9 से छोटा क्या आता है, 8 आता है ना, तो चांसेस क्या है कि 27 मल्टीप्लाई बाय अगर मैं 4 करूँ, ठीक है, तो मुझे ये मिल सकता है, क्योंकि 2 4 ज़ा कितना होता है, 8 तो आ ही जाता है ना, 2 4 ज़ा 8 आ जाता है, तो चांसेस है कि ये सॉल्व हो जाएगा, 27 मल्टीप्लाई बाय 4 करो तो, ठीक है। अगर नहीं होता है, थोड़ा सा वैल्यू अगर बढ़ा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, 27 मल्टीप्लाई बाय 3 करके देख सकते हैं, ओके, तो उससे अपना सॉल्व हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमें इससे इतना हिंट मिल जाता है कि 27 मल्टीप्लाई बाय 5 कर ही नहीं सकते, क्योंकि 10 मिल जाएगा जो कि 9 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो उससे छोटा लेना है। तो फर्स्ट डिजिट को अगर मल्टीप्लाई करके देखे तो भी हमें हिंट मिल जाता है कि किससे ये सम जा सकता है, सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने इसको बताया कि 2 ज़ा में चांसेस है, ठीक है, क्योंकि 4 2 ज़ा 8 होता है, तो कम आ रहा है, मतलब चांसेस है, ठीक है। तो इसको करते हैं 44 मल्टीप्लाई बाय 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2 अगर मुझे करना है, मल्टीप्लिकेशन का अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है कैसे करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आप देख सकते हैं, एक बार कंप्लीट वीडियो है मल्टीप्लिकेशन का, वो 3 स्टेप्स है उसमें, वो स्टेप्स फॉलो करके आप मल्टीप्लिकेशन आराम से अवेकस पे कर सकते हैं। जैसे कि 44 है, ओके, 44 है, ठीक है, 4 2 ज़ा कितना होगा, 0 8 होगा, 4 2 ज़ा कितना होगा, 0 8 होगा, तो 0 8 प्लेस किया, फिर फर्स्ट वाला स्किप किया, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 8, मतलब आंसर अपना क्या आएगा, 88, राइट। तो अब हमने इसे प्लेसिंग कर दिया, 9 7 8 8 प्लेसिंग हो गया। अभी देखिए 44 2 ज़ा से जा सकता है, जैसे कि हमने पहले ही कहा, तो 97 ये अपना 97 क्या है, कंप्लीट नंबर है 97, ठीक है। तो इसमें कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट है, राइट, 2 डिजिट आते हैं ना 44 में, तो 2 डिजिट आते हैं, तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, 88 आएगा, बराबर 8 यहाँ पे आएगा, 8 यहाँ पे आएगा, तो इस वाले रॉड से जो लास्ट वाला है उससे कितना हम स्किप करेंगे, अभी 2 करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 2 डिजिट है, ओके, तो 1 स्किप 2 स्किप यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 44 2 ज़ा 88, अभी 8 यहाँ पे लेस कर दे, यहाँ पे भी 8 लेस करना, 8 नहीं ये लेस करने के लिए, तो क्या करेंगे, ऐड टू लेस 10, बिग फ्रेंड यूज़ किया, ओके। फिर अगेन क्या आया, 98 आया, अगेन 2 ज़ा से जा सकता है, 44 2 ज़ा 88 हो गया लेस, ओके। अब क्या बचा, 108,
108, क्या 108 आता है क्या 44 के टेबल में? हम कैसे देखेंगे इसी मेथड से, 44 थ्रीजा अगर हम करके देखें, ठीक है, 4 थ्रीजा कितना होता है, 4 थ्रीजा अगर मैं करूँ, 4 को अगर 44 मल्टीप्लाई बाय अगर मैं 3 करके देखूँ, ठीक है, तो 4 थ्रीजा मुझे क्या मिलता है, 12 मिलता है, ठीक है, 12 मतलब ये 10 से बड़ा मिल रहा है, ऑब्वियसली बात है 10 से बड़ा मिल रहा है, तो वो कर नहीं सकते, ठीक है, तो अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, 44 टूजा 88 लेस करना पड़ेगा, 44 टूजा 2 मैंने किया, अभी मुझे क्या करना है, 8 लेस करना है, तो क्या 8 यहाँ पे लेस करेंगे, नहीं, ये कंप्लीट नंबर, इसको ध्यान से देखिए क्या है, पहले रुकिए, इस नंबर को ध्यान से देखिए क्या है, ये 108, ठीक है, तो जब हम 88 लेस करते हैं तो 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे ऐसे ही आता है ना, क्योंकि यूनिट के नीचे क्या आता है, यूनिट आता है, ठीक है, तो मेरा 8 यहाँ पे आएगा और एक 8 यहाँ पे आएगा, ओके, तो 88 लेस करना था, 44 टूजा 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, तो 8 यहाँ पे कैसे लेस करेंगे, नहीं है तो ऐड टू लेस 10, बिग फ्रेंड यूज़ किया, ओके, 8 यहाँ पे लेस कर दिया, अभी 8 यहाँ पे भी लेस करेंगे, लेस 8 पॉसिबल है, डायरेक्टली कर दिया हमने, ठीक है, तो 8 मैंने यहाँ पे लेस किया, ठीक है, मेरा नंबर कहाँ तक आ रहा था, फाइनल नंबर यहाँ तक आ रहा था ना, लास्ट नंबर मेरा यहाँ तक आ रहा था, मतलब ये मेरा रिमाइंडर कितना बचा है, 20 बचा है, ओके, अगर मेरा ये 2 यहाँ पे आता तो मेरा रिमाइंडर 2 बचता ना, 9 7 8 8, 9 यहाँ पे आ रहा था, 7 यहाँ पे आ रहा था, 8 यहाँ पे आ रहा था, 8 यहाँ पे आ रहा था, ठीक है, तो ये दोनों मेरा प्लेस में मेरा क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा, ठीक है, तो ये मेरा कितना है, 20 मेरा रिमाइंडर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी पहले वैल्यू था, ओके, तो मेरा रिमाइंडर अभी कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, तो अभी हमारा फाइनल आंसर क्या आया, 2 2 2, और रिमाइंडर मेरा कितना आया, 20, ओके, क्या आंसर आया, 2 2 2, रिमाइंडर कितना आया, 20, ओके, क्वेश्चन मेरा 2 2 2 है और रिमाइंडर मेरा कितना है, 20, तो ये हमारा कंप्लीट डिवीजन का वीडियो था, आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा, तो हमने 2 डिजिट डिवाइड बाय 1 डिजिट, 3 डिजिट डिवाइड बाय 1 डिजिट और 4 डिजिट डिवाइड बाय 2 डिजिट भी हमने देखा, ऐसे ही आप 7 डिजिट लेके, 6 डिजिट लेके, 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं अबेकस पे, और जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो आप मेंटली भी अबेकस सॉल्व कर सकते हैं, ओके,